बताएंगे भाई, क्या बता रहे थे आप यहाँ पर? ये सोना कार्ड रह गए हैं। अच्छा, तो किसने निकाले यहाँ पर? ये गांव वालों लोग। और इधर हम बाहर चलते हैं तो दूसरे कक्ष की तरफ चलेंगे अभी हम लोग। पूरा हॉन्टेड प्लेस लग रहा है एकदम। ये देखो, ये ऊपर की तरफ सारे को खोदा हुआ है। बिल्कुल, इधर से आओ। जगह जगह से खोदा हुआ है। तो सामने जो आपको खंडर पूरा हिस्सा नजर आ रहा है, आप पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं और जो दीवार है उसके अंदर ऐसे पूरा का पूरा खंडर अवशेष आपको नजर आ रहा है। तो आज मैं दोस्तों राजस्थान के निमका थाना जिले के अंदर आया था और यहाँ पर गांव है डोकन गांव, तो उसका जो किला है वो दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। ये सेकंड पार्ट है इसका। और ऐसा कहते हैं कि इस वाले महल के अंदर राजा महाराजा रहा करते थे आज से 300 से 400 साल पहले। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ इसका इतिहास। जो आंगन पान तोमर जो द्वितीय थे, उनके जो वंश के लोग थे वो पाटन आए थे राजस्थान के अंदर, और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी यहाँ पर। तो उनके जो भाई थे, दो और भाई थे उनके साथ में, तो एक भाई यहाँ पर डोकन के अंदर रहते थे। तो आज देखिए किस हालत में हो चुका है पूरा का पूरा ये हिस्सा, इस पूरे महल का, राजा के महल का। तो भाई बताएंगे, भाई क्या बता रहे थे आप यहाँ पर? ये सोना उना कार्ड रह गए हैं। अच्छा, तो किसने निकाले यहाँ पर? ये गांव वालों लोगों ने। अच्छा, तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फर्श है, तो फर्श जो फर्श है इसको तोड़ा गया है यहाँ पर, और ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर खजाने का तलाशी गई थी। और खजाना निकला था भाई इसमें? नहीं पता नहीं। अच्छा, निकला नहीं, ये नहीं पता, कंफर्म नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये अलग से खोदा हुआ आपको नजर आ रहा है फर्श, और एक वहां से भी खोदा हुआ देखिए यहाँ से। तो यहाँ पर खजाना निकलने की जो बातें हैं वो अक्सर चलती रहती है कि इस महल के अंदर खजाना है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता। और इसके अंदर एक काफी बड़ा एक कमरा बना हुआ था, ऐसा कहते हैं कि ये राजा का कमरा था। इसमें तो चमगादड़ जी गणी। हाँ, तो इसके अंदर देखिए चमगादड़ जो मात्रा है ना वो लाखों के अंदर होगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो कमरा है वो पूरा का पूरा आपको इस समझ आएगा। देखिए ये ऊपर, ये देखिए पूरा का पूरा चमगादड़ से भरा हुआ है कमरा, और किसी समय में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर राजा रहते थे। किसी समय में तो यहाँ पर राजा रहते थे, और आज देखिए पूरा का पूरा कैसे चमगादड़ों ने घेरा हुआ है ये पूरा हिस्सा। और ये अवशेष के तौर पर दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए नाम लिखे हुए हैं, और ये दिवाली के टाइम पर बनाते हैं शायद ये नाम। और ये देखिए कोई भी त्यौहार होता है, राजपूतों के गणगौर और तीज का त्यौहार और फेस्टिवल, इस तरह से बहुत सारे बनाए जाते हैं अलग अलग। तो अभी हम लोग इधर जा रहे हैं, इधर की साइड चलो। अच्छा, इधर भी कमरा है क्या? इधर भी साइड में देखिए कमरा बना हुआ है, बड़ा सारा है। हाँ, ये भी काफी बड़ा है, ये कनेक्ट होगा एक दूसरे से। ये नहीं खोद रहे। हाँ, ये भी यहाँ से खोदा हुआ है किसी ने। वो पूरा कमरा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर चमगादड़ से भरा हुआ है। ये देखिए, वाओ चमगादड़ भाई साहब, बहुत ज्यादा मात्रा में चमगादड़ है यहाँ पर। देखिए इसमें तो लाखों हैं, लाखों होंगे आराम से, बहुत ज्यादा है, लाखों हैं, लाखों। देखो देखो देखो, इधर बने हुए है, पूरे कमरे को घेरा हुआ है। और इधर हम बाहर चलते हैं तो दूसरे कक्ष की तरफ चलेंगे अभी हम लोग। घटना गुड़िया, लाख हो गए इसमें तो, हर कमरे के अंदर है। और ये सीढ़ी भी टूट गई है ना? ये सोना निकालते हैं। अच्छा, ये दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि सीढ़ी के अंदर पहले। अच्छा, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ठाकुर जी का मंदिर था और इसको तोड़ा गया है, ये देखिए आप लोग। और मैं बहुत सारे किले कवर कर चुका हूँ और हमेशा मुझे ऐसे अवशेष देखने के लिए मिलते हैं, तो हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे दीवारों को किलों को तोड़ना नहीं चाहिए। ये पुरानी विरासत है याद रखने के लिए कि राजा महाराजों के समय की। और देखिए यहाँ पर खजाना निकालने की कोशिश की गई थी तोड़कर। एक एक कमरा है, इसके अंदर भी बहुत सारे चमगादड़ है, ये देखिए यहाँ पर साफ देख सकते हो। एक इधर भी है, ये देखो बहुत ज्यादा है ये तो। ये क्या चीज है? ये पता नहीं लग रहा है, खाए चोट के जाना बेरो कौन सा लगा। ये देखो ये कुछ है स्टोर रूम टाइप में है, ये बच्चों देख से मुझे डर को ऊपर जाने का रास्ता किधर से है? इधर से। हाँ इधर से, ये तो ऊपर की साइड नहीं है। हाँ चलो चलो चलो। अच्छा अच्छा, ये देखिए पूरा चौक कैसे हो चुका है खराब। किधर जाना है? आ जाओ इधर से आओ ऊपर से। ये ऊपर जाने का ये बन रहा, ये भी बन रहा जगह ऊपर जाने की। ये तो बाहर की साइड है। अच्छा, तो भैया आपको मैं यहाँ ऊपर लेकर चलता हूँ, चलिए। पूरा हॉन्टेड प्लेस लग रहा है एकदम।
मैं तो भूल ही गया था इसको अडिग्रस्त तो ये देखिए ऊपर आ चुके हम लोग अभी, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही कक्ष बने हुए हैं और ऊपर की तरफ लोकल भाषा में क्या बोलते हैं भाई इसको, बुखारा बुखारा है ये, बुखारा बुखारी जो भी बोलते हैं वो ये है। इसके अंदर जो भी वेस्ट सामान होते हैं वो रखते हैं बुखारा ही है। और छत तो जो है ना वो किसी भी कमरे की देख लेना ऊपर आने के बाद टूटी हुई है। और यहाँ पर देखिए कुछ उसे देखने के लिए मिलते हैं क्या, ये तो बंद है। इधर की साइड दिया दो, इसको भी खोदा हुआ है, ये देखो ये ऊपर की तरफ सारे को खोदा हुआ है बिल्कुल, इधर से आओ जगह जगह से खोदा हुआ है। क्या बात है दोस्तों, देख सकते हो क्या हालत हो चुकी है इस पूरे किले की। ये देखिए पूरे खंडहर अवशेष, इसके ऊपर एक और मंजिला थी ऊपर जाने के लिए, देखिए वहां पर वो हिस्सा बना हुआ था और ये जो हिस्सा था ना ये पूरा कम्प्लीटली टूट चुका है। और ऊपर से व्यू दिखाता हूँ नीचे का चौक का, तो देखिए ये व्यू है नीचे चौक का और राजा यहाँ पर रहा करते थे। और ऐसी वीडियो जो है ना वो अक्सर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, तो इस पेज को फॉलो करके रखना आप लोग आगे भी आने वाली वीडियोस देखने के लिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और लाइक भी करना। और ये जो किला है इसके ऊपर आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनी थी, ये नीचे जाने का रास्ता है, ये पहली वीडियो है इस पूरे किले के ऊपर, डोकन किले के ऊपर आज तक कोई वीडियो नहीं बनी थी यूट्यूब पे ना ही कोई फेसबुक पे। तो यहाँ से देखिए पूरा व्यू, ये भाई फोटोशूट करवा रहे हैं। तो ये पूरा किला था डोकन का किला। भाई किधर से चढ़े हो आप लोग? इधर से। अच्छा, तो इस वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो भी कर लेना, साथ ही वीडियो को शेयर करना आप लोग और प्यार दिखाना। व्यू देखिए आप लोग, ये डोकन का किला था। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।